Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the first set of parajumbles, part 30. So you can take the screenshot of the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday. So now let's begin with the today's session. Okay, the four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given below, when properly sequenced, would yield a coherent paragraph. Decide on the proper sequence of the order of the sentences and key in the sequence of the four numbers as your answer. Okay, तो हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पैराजम्बल्स किस टॉपिक से रिलेटेड है और वो क्या क्या बोल रहा है. तो पहला क्या बता रहा है, पहले सेंटेंस में द वुडलैंड्स कैनोपी. ओके, द वुडलैंड्स कैनोपी रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द ट्रीज. ओके, तो वुडलैंड्स कैनोपी क्या है? ठीक है, वुडलैंड है जहाँ पे आपका एक प्लेस है आपका, ठीक है, और वहाँ पे क्या है कि बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं. ठीक है, बहुत ही लंबा लंबा पेड़ होता है. ठीक है, और जब उसके जो ऊपर के जो ब्रांचेज हैं, ऊपर के जो पत्ते हैं, जब वो पूरे निकल आते हैं तो क्या होता है, एक तरीके का बिल्कुल वो कवर दे देता है. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है कि सनलाइट जो है वो आपका नीचे जो है आपका नहीं आ पाता है, जमीन तक नहीं आ पाता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि इट रिसीव्स मोस्ट ऑफ द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन द ट्रीज. ठीक है, तो ये जो ट्रीज जो है, कैनोपी जो है, वुडलैंड्स कैनोपी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये सनलाइट रिसीव करता है, मोस्ट ऑफ द सनलाइट रिसीव करता है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या बता रहा है, स्विफ्ट्स डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू वुडलैंड्स बट हंट व्हेनेवर देयर आर इंसेक्ट्स इन एयर. ओके, तो स्विफ्ट्स के बारे में बात किया है. स्विफ्ट्स क्या है, स्विफ्ट्स एक तरीके का पक्षी है, ठीक है, जो वहां पे वुडलैंड में पाया जाता है. ठीक है, तो बता रहा है कि वो सिर्फ वुडलैंड्स तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखता है, दे डू नॉट कन्फाइन, अपने आप को वहीं तक सीमित नहीं रखता है, बट कहाँ पे हंट करता है, वो हंट करता है जो इंसेक्ट्स एयर में भी जो उड़ते रहते हैं. ठीक है, ये बता रहा है. नेक्स्ट क्या आता है, बता रहा है विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज. ओके, विद देयर स्ट्रीमलाइन बॉडीज स्विफ्ट्स आर एजाइल फ्लायर्स. ओके, आइडियली अडेप्टेड टू ट्विस्टिंग एंड टर्निंग थ्रू द एयर एज दे चेज द फ्लाइंग इंसेक्ट्स द क्रीचर्स दैट फॉर्म देयर स्टेपल डाइट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो स्विफ्ट्स होते हैं, जो पक्षी जो होते हैं, ठीक है, ये जो पक्षी है जिसका नाम स्विफ्ट है, ठीक है, जिसको हम स्विफ्ट भी बोलते हैं, तो बोल रहा है कि उसका स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. स्ट्रीमलाइन बॉडी से क्या फायदा होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी से ये फायदा होता है कि वो हवा काटने में बहुत ही मदद होता है और उसको फ्लाई करने में बहुत ही आसानी होता है. ठीक है, वो बहुत ही स्पीड में फ्लाई कर सकता है और बहुत ही अच्छे लेवल पर फ्लाई कर सकता है. ठीक है, हायर ऑल्टीट्यूड्स पर फ्लाई कर सकता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि वो लोग क्या है, एजाइल फ्लायर्स. ठीक है, और क्या बताता है कि वो दे आर आइडियली अडेप्टेड टू ट्विस्टिंग एंड टर्निंग थ्रू द एयर एज दे चेज द फ्लाइंग इंसेक्ट्स. ठीक है, अब वो ट्विस्ट एंड टर्न क्यों कर पाता है, वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसका क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है. ठीक है, ओके, और बता रहा है क्या कि वो जो फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, वो आप उसके स्टेपल डाइट को कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बता रहा है, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फ्लाई इन द सनशाइन अप एंड अबव द कैनोपी सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स एंड सैलोस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है, मतलब कि बहुत मात्रा में इंसेक्ट्स जो है फ्लाई करते हैं. ठीक है, ऊपर में, ठीक है, अबव द कैनोपी, कैनोपी जो है उसके ऊपर में फ्लाई करते हैं. ठीक है, और बताता है कि सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स एंड सैलोस. ठीक है, तो उड़ते हैं तो भाई जो स्विफ्ट्स जो है उसका तो स्टेपल डाइट ही बता रहा है ना, पिछले थर्ड सेंटेंस में क्या बता रहा है कि द क्रीचर्स दैट फॉर्म देयर स्टेपल डाइट, तो ये जो फ्लाइज है वही उनका क्या है, स्टेपल डाइट है. ठीक है, तो बता रहा है कि स्विफ्ट्स एंड सैलोस जो है, ठीक है, वो उनका प्रे बन जाते हैं. ठीक है, मतलब इंसेक्ट जो है वो स्विफ्ट्स एंड सैलोस का प्रे बन जाते हैं. तो हम ये समझने की कोशिश, हम इसमें ये देखते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंटली बात किस चीज के बारे में बात कर रहा है. तो हम देख रहे हैं कि एक तो स्विफ्ट के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, ये स्विफ्ट के बारे में बात कर रहा है और दूसरा क्या बात कर रहा है, आपका वुडलैंड कैनोपी के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और बाकी ये जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सेंटेंस है, ये तीनों जो है इसमें आपका स्विफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे एक ये जो पहला और जो चौथा सेंटेंस है इसमें आपका वुडलैंड कैनोपी के बारे में बात कर रहा है. तो अब हमको ये समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि आखिर इसमें पहला सेंटेंस क्या होगा, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि इसमें वुडलैंड कैनोपी के बारे में भी बात कर रहा है और स्विफ्ट्स के बारे में भी बात कर रहा है. मगर क्या सिर्फ ये स्विफ्ट्स के बारे में बात कर रहा है, नहीं, ये स्विफ्ट्स एंड स्वैलोस के बारे में बात भी कर रहा है. ठीक है, इसीलिए हमको ये समझ में आ रहा है कि स्विफ्ट्स इंपॉर्टेंट है, मगर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वुडलैंड कैनोपी. ठीक है,
तो इसीलिए हमारा पहला सेंटेंस क्या होना चाहिए जो वुडलैंड कैनोपी के बारे में बात करे। तो वुडलैंड कैनोपी के बारे में स्पेसिफिकली कहाँ बात कर रहा है, वो पहले सेंटेंस में बात कर रहा है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। ओके सो हम मूव करते हैं और देखते हैं कि सेकंड सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि वुडलैंड कैनोपी के तो बारे में तो बात कर लिया, अब देखते हैं कि स्विफ्ट्स के बारे में कहाँ से बात होगा और कौन सा सेंटेंस जो है सेकंड नंबर पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा है स्विफ्ट्स डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू वुडलैंड, मगर ये डायरेक्टली ऐसे तो नहीं आना चाहिए। जब वुडलैंड कैनोपी के बारे में बात किया है तो उसके बाद डायरेक्ट तो स्विफ्ट्स के बारे में ऐसे तो बात नहीं करेगा। ठीक है कि दे डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स टू वुडलैंड, उसके बाद उसके पहले उसको स्विफ्ट्स के बारे में थोड़ा सा कुछ एक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये थर्ड सेंटेंस में क्या बता रहा है, विद देयर स्ट्रीमलाइंड बॉडीज, तो ये भी स्विफ्ट्स के बारे में ही बात कर रहा है ना, तो ये भी आपका जो है सेकंड सेंटेंस नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे विथ है। ठीक है, विथ किया किस चीज का, विथ बात बात कर रहा है। ठीक है, ये तो अभी हमें क्लियर नहीं है। ओके, तो हम जाते हैं चौथे सेंटेंस में और यहाँ पे बात कर रहा है हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट्स फ्लाई इन द सनशाइन अप एंड अबव द कैनोपी, ओके, सम फॉलिंग प्रे टू स्विफ्ट्स एंड सैलोज। ठीक, तो यहाँ पे ये जो स्विफ्ट्स है इसको इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। ठीक है, स्विफ्ट्स एंड सैलोज को, स्विफ्ट्स एंड सैलोज है और यहाँ पे स्विफ्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आया होगा कि सेकंड सेंटेंस क्यों हुआ है। ओके, अब हम देखते हैं कि इसका थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, ठीक है, तो ये देखते हैं, जब सेकंड और थर्ड सेंटेंस को देखते हैं तो सेकंड सेंटेंस जो है हमें कंक्लूडिंग, क्योंकि इसमें एक तो सेंटेंस है जो कंक्लूडिंग है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यार थर्ड सेंटेंस कंक्लूडिंग हो सकता है क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कंक्लूडिंग जैसा बिल्कुल भी हमें नहीं लग रहा है, ये डिस्क्राइब कर रहा है कि स्विफ्ट्स जो है वो कैसे दिखते हैं, तो वो क्या कभी आपके सेंटेंस के पैराग्राफ के एंड में आएगा क्या, नहीं, वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा, है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि आपका जो थर्ड सेंटेंस है वो आपका ये होगा, थ्री नंबर होगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है स्विफ्ट्स को, तो ये आपका हो जाएगा थर्ड एंड ये आपका हो जाएगा फोर्थ, क्योंकि ये आपका कंक्लूडिंग है। और यहाँ पे क्या बता रहा है कि स्विफ्ट्स जो है वो अपने आपको सिर्फ वुडलैंड्स तक ही सीमित नहीं करते हैं, दे डू नॉट कन्फाइन देमसेल्व्स ओनली टू वुडलैंड्स बट हंट व्हेनेवर व्हेरेवर देयर आर इंसेक्ट्स इन द एयर, तो वो इंसेक्ट्स में भी जाके वो एयर में भी जाके वो हंट करते हैं। ठीक है, तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, तो मैं इसका प्रॉपर सीक्वेंस आपके लिए लिख देता हूँ। तो आपका ये प्रॉपर सीक्वेंस होगा 1, 4, 3 and 2। ओके, सो दिस इज योर करेक्ट सीक्वेंस। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन सेम ही है, हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पैराजंबल में क्या बोल रहा है। बोलता है बट हाउ वी हैव अनदर ग्रुप द अनविटिंग इनेबलर्स। ओके, तो यहाँ पे अनविटिंग इनेबलर्स के बारे में बात कर रहा है और बट हाउ वी हैव अनदर ग्रुप। ठीक है, ये अनदर ग्रुप के बारे में बात कर रहा है, अब ये कौन सा अनदर ग्रुप है ये तो अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा है हमारे माइंड में। ठीक है, पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है किस चीज के बारे में बात कर रहा है। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, क्या बोलता है, डेमोक्रेसी एंड हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द काइंड दैट हैव कम टू कैरेक्टराइज द यूनाइटेड स्टेट्स आर सिंपली इनकंपैटिबल। ओके, तो हम पहले समझते हैं कि डेमोक्रेसी क्या होता है, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ कि डेमोक्रेसी उस टाइप का सिस्टम होता है जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो किससे रन होते हैं, वो विल ऑफ द पीपल से ही रन होते हैं। ठीक है, वो जनता के हिसाब से ही वो चलते हैं, उस टाइप के गवर्नमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं या डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें सबको बोलने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है डेमोक्रेसी एंड हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी। ओके, तो यहाँ पे दो तरह की बात कर रहा है, एक तो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है, सॉरी यहाँ पे एक तो डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहा है और एक हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है। तो इनइक्वालिटी तो पता है क्या होता है, जब जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाए उसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्शन बात कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो पीपल के विल से चलती है। ठीक है, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी, जब गवर्नमेंट आपका पीपल के विल से चलेगा तो फिर इनइक्वालिटी क्यों होगा, क्योंकि वो तो पीपल का जो विचार है उसके हिसाब से चलना चाहिए ना गवर्नमेंट को, तो वो तो काम करेगा तो पीपल के लिए ही काम करेगा, जनता के लिए ही काम करेगा।
तो उसका तो फोकस ये होना चाहिए कि हम अपने जनता के बीच में इक्वालिटी का स्टेटस कैसे लेके आए, ठीक है, उसका फोकस वो होना चाहिए अगर वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या बता रहा है कि डेमोक्रेसी एंड हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ द काइंड दैट हैव कम टू कैरेक्टराइज, मतलब जो इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये दो, जो डेमोक्रेसी और जो हाई लेवल ऑफ इनइक्वालिटी है, ये क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है यूनाइटेड स्टेट्स को, ठीक है, और बता रहा है कि दे आर सिंपली इनकम्पैटिबल, ठीक है, ये दोनों चीज इनकम्पैटिबल है। तो मैंने आपको बताया ना कि ये दोनों बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है, ठीक है, डेमोक्रेसी एंड हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहा है दोनों, ठीक है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक है, ओके, और बता रहा है कि वो क्या है, इनकम्पैटिबल है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया और किसमें क्या बात कर रहा है, ओके। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, थर्ड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, बिलीविंग दिस पीपल आर वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड दे आर एक्चुअली एट मोस्ट चिपिंग अवे एट द मार्जिन्स मेकिंग स्लाइट कोर्स करेक्शंस एंश्योरिंग द सिस्टम गोज ऑन एज इट इज अनइंटरप्टेड, ओके। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि इन लोगों पे जब हम विश्वास करते हैं, ठीक है, हम इन लोगों को गवर्नमेंट में क्यों लेके आते हैं, इनको क्यों हम इलेक्ट करके आते हैं, और ये सोच के लाते हैं कि जो वो जो है वो पीपल के लिए वर्क कर रहे हैं, दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है, दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ओके, बट दे आर एक्चुअली एट मोस्ट चिपिंग, बोल रहा है कि ठीक है हम तो ये सोच के चल रहे हैं कि दे आर वर्किंग फॉर अ बेटर वर्ल्ड, बट दे आर एक्चुअली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर चिपिंग अवे, ठीक है, जो उनका जो मेन काम है उससे वो भटक जा रहे हैं, ठीक है, चिपिंग अवे मतलब वो अपने मेन काम से वो भटक जा रहे हैं, ठीक है, और दे आर मेकिंग स्लाइट कोर्स करेक्शंस, ओके, और वो क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत बदलाव कर दे रहे हैं सिस्टम के अंदर, ठीक है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ गवर्नमेंट कुछ काम कर रही है, ठीक है, इंश्योरिंग द सिस्टम गोज ऑन एज इट इज, और वो जो गवर्नमेंट में जो है जो इलेक्टेड बॉडी है, ठीक है, जिस भी पार्टी को हम इलेक्ट करके लाए हैं, ठीक है, तो उनका फोकस ये नहीं है कि उनको पीपल के बेटरमेंट के लिए वर्क करना है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत सुधार कर रहे हैं, ठीक है, कि पब्लिक को लगे कि हम वो काम कर रहे हैं गवर्नमेंट पीपल के लिए, मगर वो चाहते क्या है एक्चुअल में, दे आर विलिंग टू इंश्योर दैट द सिस्टम गोज ऑन एज इट इज, वो जैसा सिस्टम चल रहा है उसको वैसे ही चलाना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी किसी तरीके का इंटरप्शन नहीं हो, ठीक है, उनका ये फोकस है, ठीक है, तो ओके, जैसे कि अगर हम इस चीज को अपने कंट्री के हिसाब से समझने की कोशिश करें, जैसे ये तो यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में बात किया है, ठीक है, तो हमारा कंट्री भी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया भी जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, और हमारे इंडिया में जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो किसकी है, वो बीजेपी की है, ठीक है, तो उसका भी क्या है, उसका भी करीब करीब सेम, इसका यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया दोनों का करीब करीब सेम टाइप का ही ये है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, और सेम तरह की बातें हमें इंडिया में भी देखने को मिलती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ का भी जो गवर्नमेंट है तो वो क्या करता है कि वो क्या कर रहा है, कुछ कुछ अपना जो है वो करता है, ठीक है, पब्लिक के बेटरमेंट के लिए कुछ कुछ काम करता है, ठीक है, मगर वो एक्चुअल में वो किस चीज के लिए काम कर रहा है, वो रिच एंड पावरफुल के लिए काम कर रहा है, ठीक है, तो वही हम फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं क्या बोल रहा है कि वेरी रिच पीपल विल ऑलवेज यूज मनी, वेरी रिच पीपल विल ऑलवेज यूज मनी टू मेंटेन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, ठीक है, तो हम इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो रिच रिच पीपल है, ठीक है, तो वही गवर्नमेंट को ही रन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो अगर गवर्नमेंट को अपना फंडिंग दे रहे हैं तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इन रिटर्न उसको क्या कर रहा है, बहुत सारे फैसिलिटीज दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस थे 74-75 रुपीज थे, ठीक है, और वो अचानक से 30 रुपया बढ़ गया, ठीक है, तो लोग सोच रहे हैं कि अब कैसे करेंगे, गवर्नमेंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से ले आएगा, सबको वैक्सीन देना है, सबको टैक्सेस पे करेंगे, तभी तो पीपल के पैसे से ही तो करेंगे, ठीक है, मगर वो क्या कर रहे हैं, उसका पैसा बढ़ा रहे हैं, और वो किसको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिच एंड पावरफुल है, ठीक है, जिनका पॉलिटिकल कनेक्शन है, जो इकोनॉमिक पावर में इनडायरेक्टली हिस्सेदार है, ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है, तो ये पहला सेंटेंस तो हमें क्लियर है नहीं कि क्या बता रहा है, ठीक है, तो इसीलिए ये तो पहला आपका नहीं होने वाला है, ठीक है, अब बता रहा है कि यहाँ पे हम एक चीज तो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात हो रहा है, वो एक है डेमोक्रेसी और हाई लेवल्स ऑफ इनइक्वालिटी, तो हमारे हिसाब से ये आपका फर्स्ट सेंटेंस ही होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ अ कंट्री बता रहा है कि एक कंट्री के अंदर किस टाइप की परिस्थितियां हैं, ठीक है,
और वो इनकम्पैटिबल है ये दोनों चीज, मगर फिर भी वो जो है कंट्री जो है चल रहा है किसी तरीके से, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस आपका क्या हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बता रहा है कि बिलीविंग दिस पीपल, ठीक है। तो ये किन पीपल का बारे में बात कर रहा है ये तो अभी तक हमें नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, बिलीविंग दिस पीपल। ओके, ये जो है हमें पता नहीं है कि किस टाइप के पीपल के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथे सेंटेंस में क्या बता रहा है, वेरी रिच पीपल। तो ये जो वेरी रिच पीपल है यही है बिलीविंग दिस पीपल, ठीक है ना। नहीं, ये वो नहीं है, ये वो है जो गवर्नमेंट में है, ठीक है। ये तो इनडायरेक्टली इनको बेनिफिट मिल रहा है रिच पीपल को, मगर वेरी रिच पीपल विल ऑलवेज यूज मनी टू मेंटेन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। और ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर कैसे हासिल कर सकते हैं, जब वो गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में इंटरवीन करें, ठीक है, ताकि वो अपना पर्सनल गेन कर सके, ठीक है। तो ये जो बिलीविंग दिस पीपल है वो किसके बारे में बात कर रहा है, गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। आई गेस आपको ये अभी तक क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आपका सेकंड सेंटेंस, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में सेंटेंस, थर्ड सेंटेंस कौन सा हो सकता है। ओके, तो हम अगर थर्ड सेंटेंस को देखते हैं तो इसमें जो है ये आपका कंक्लूडिंग टाइप के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दे आर एक्चुअली एट मोस्ट चिपिंग अवे एट द मार्जिंस, मेकिंग स्लाइट कोर्स करेक्शंस, इंश्योरिंग द सिस्टम गोज ऑन एज इट इज अनइंटरप्टेड, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है इसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये कंक्लूडिंग टाइप का बात है, और इसको अगर फोर्थ में हम डाल नहीं सकते हैं क्योंकि ये आपका जो है इसमें कुछ भी क्लियर नहीं है, ये कंक्लूडिंग टाइप का बिल्कुल भी नहीं है सेंटेंस। तो ये आपका जो है ये तो आपका फोर्थ होना चाहिए, है ना, और ये आपका होना चाहिए थर्ड। अच्छा, मगर ये थर्ड क्यों है ये भी आपको हम समझा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या बता रहा है कि वेरी रिच पीपल विल ऑलवेज यूज मनी टू मेंटेन देयर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर, ठीक है। बट हाउ वी हैव अनदर ग्रुप द अनविटिंग इनेबलर्स, ये अनविटिंग इनेबलर्स किनको बोल रहा है, ये अनविटिंग इनेबलर्स उनको बोल रहा है जो जनता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट को इलेक्ट करके लाती है, ठीक है, पीपल, है ना, ये इन्हीं को बोल रहा है अनविटिंग। अनविटिंग इनेबलर्स मतलब क्या होता है, अनविटिंग इनेबलर्स मतलब वो होता है कि वैसी जनता जिनको इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ठीक है, कि वो अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, और फिर भी वो क्या कर रहे हैं, उसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लेके आ रहे हैं, ठीक है। वो चाह रहे हैं कि वो पीपल, वो जो गवर्नमेंट आए वो पीपल के लिए काम करे, मगर उनको इस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, ऐसे ब्रेन वॉश किया जाता है ताकि वो जो है फिर उन्हीं उसी को वापस लेकर आए, ठीक है। तो ये अनदर ग्रुप किसके बारे में बात कर रहा है, ये अनविटिंग इनेबलर्स को ही बोल रहा है, इसीलिए आपका ये थर्ड हो जाएगा। और बिलीविंग दिस पीपल, ये इनेबलर्स जो है, ठीक है, ये जो अनविटिंग इनेबलर्स हैं ये किस पे बिलीव करते हैं, जो गवर्नमेंट में, बिलीविंग दिस पीपल मतलब ये जो गवर्नमेंट है, ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है इस पे ये बिलीव करते हैं कि ये जो है एक बेटर वर्ल्ड की ओर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका भी समझ में आ गया होगा कि ये पैराजम्बल किस बारे में बात किया है, ठीक है, और इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका सही सीक्वेंस क्या हो सकता है। तो इसका सही सीक्वेंस हम लिख लेते हैं ताकि आपको याद करने में, ताकि आपको चेक करने में आसानी हो। इसका आपका सही सीक्वेंस है 2, 4, 1 and 3। ओके, सो बाय दिस वी कम टू द एंड ऑफ द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos, and please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.